ना है कि ना? नहीं तुम बताओ। पर मुझको मालूम है तुमको यह वक्त मेरी बात अच्छी ना लग रही होगी है, लेकिन बात सही यही है। क्या बात है मामा जी? अरे सुरेंद्र बाबू, क्या बात है मामा जी? अरे बात कछु ना, बात वो चंद्रिका कुमारी की है। देखो साहब, मैं कह रहा हूँ बांके बिहारी लाल की कृपा से शादी भी है गई और बच्चे भी दाबी है, है? लेकिन कोई ना सुसरे ने जे जानने की कोशिश करी कि भैया रिश्तों कहाँ पक्को हुआ, कौन के साथ पक्को हुआ, सुसरे करे कहाँ है, का रेपुटेशन है उनकी, कछु पतो है, कछु ना है, है? और रहे भी कहाँ है, इतनी दूर वहाँ दुबई में। अब साहब देखो, बच्ची है, लड़की की जात है, कछु ऊंच नीच है जाए तो कौन जिम्मेदार है, है? कोई ना है? अरे मेरे से कहते रिश्ते इनकी सुसरे इनकी जड़ी लगा देता हूँ मैं। ऐसे ऐसे रिश्ते लाते हो बस पूछो मत। ऐसा खानदान के 25 पीढ़ी को भी वो का कहे भाई, वो अंग्रेजी में का कहे नहीं वो, हाँ बायोडाटो, 25 पीढ़ी को बायोडाटो हाथ में पकड़ा देते। पर नहीं साहब, शरीफ आदमी को तो कोई सुना ही ना है। मामा जी इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती, और वो भी घर के एक बेटी के बारे में। मामा जी मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोचा करिए कि क्या बोल रहे हैं आप। मामा जी इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आइंदा से बोलने से पहले 100 बार सोच कर बोलिए। बता सुरेंद्र बाबू, बात बात में तमतमा क्यों जाए, मेरी समझ में ना आया। मामा जी आपने बात ही ऐसी की तो, और नहीं तो क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको दुनिया भर की पंचायत करने की क्या जरूरत है। कभी इसकी खबर तो कभी उसकी खबर। अरे आप अपनी खबर रख लें, काफी होगा। अरे बावली है उर्मिला, अरे मनोहर लाल को तो जन्म ही दुनिया में या वास्ते वो है कि सबकी खबर रखे। हमें सुरेंद्र और सुजाता की खबर नहीं रखते तो या घर में रहते का है? अब चुप क्यों खड़े मामा जी, बताएं ना। बेकार में सुरेंद्र का मूड खराब कर दिया। अच्छा ठीक है, खराब कर दियो, तू सुधार ले जा। अरे इन्हें क्या हो गया? रांचू तुम सुरेंद्र के पास कमरे में जाओ। देखो आजकल सुरेंद्र को खुश रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, थका हारा है, उसे तुम्हारी जरूरत है बेटा। भैया को तुम मैं दे दू जाना। चलो कम से कम सुनी तो नहीं। और ये भैया